हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट था। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, तो प्रेशर चेंज करते थे तो सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। और बट टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट हो रहा था। टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा था, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा था। सो आज पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम कोई गैस डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में तो गैस कंप्रेसिबल है तो श्योर है उसका प्रेशर का इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे। तो अगर हम दो कंटेनर ले रहे हैं, इसमें यहां ये सॉल्यूशन है मतलब लिक्विड है और यहां पे गैस है, सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है जो कि एक्स पी टेम्परेचर पे है और पी प्रेशर पे है और टी टेम्परेचर पे है। अब अगर हम इस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये लिक्विड है, तो पहले ये इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड थी गैस। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो फर्दर गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो यहां पे देख रहे हो कि कम पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं इसको, क्योंकि पार्टिकल्स के पास बहुत स्पेस है, वो कहीं पे भी इवॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे भी मतलब स्ट्राइक कर सकते हैं, काफी स्पेस है। बट यहाँ पे देख रहे हो बहुत कम स्पेस है, तो इसके मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पे स्ट्राइक करने के, मतलब वो लिक्विड सरफेस पे स्ट्राइक करने के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अगर ये इसको स्ट्राइक करेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स are striking the liquid surface, so it increases the solubility of gas in liquid. तो अगर pressure increase करेंगे तो particles जो है वो ज्यादा strike करेंगे, particles striking the liquid phase increases, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले एक इक्विलिब्रियम था, ये एक इक्विलिब्रियम था जिसमें जितना सॉल्यूट जा, हम लोगों ने सॉलिड इन लिक्विड वाले में भी देखा था, इक्विलिब्रियम में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था उतना क्रिस्टलाइज्ड हो रहा था। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, जितना गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है उतना ही फर्दर इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें ये इक्विलिब्रियम है, फर्दर अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, पी डैश प्रेशर कर देंगे, तो प्रेशर चेंज हुआ है तो इसको फर्दर अपना दूसरा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तब तक जो है सॉल्यूट, मतलब कि जब तक कि वो सॉल्यूट जितना सॉल्यूशन में जा रहा है वो फर्दर सेपरेट आउट ना हो। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम रीच होगा, और ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो इस बेसिस पे हेनरी ने एक लॉ दिया था, दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हेनरी ने लॉ दिया था कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की लिक्विड में वो इंक्रीज हो रही है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से देखा ही है। तो हेनरी स्टेट दैट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, तो इसके बेस पे एक लॉ आया दैट इज नोन एज प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर, और हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को जो है मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया है, मोल फ्रैक्शन, हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन पे से रिप्रेजेंट किया है, तो हेनरी के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी गैस की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ गैस इन लिक्विड, सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो इस कॉन्स्टेंट इसको जब इक्वेट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा दैट इज नोन एज के एच एंड दिस इज नोन एज हेनरीज कॉन्स्टेंट, हेनरीज कॉन्स्टेंट, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एंड के एच इज द हेनरीज कॉन्स्टेंट। अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जहां पे p सॉल्युबिलिटी, तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इट इज स्टेटेड बाय हेनरी, एंड ये जो है स्पेसिफाइड प्रेशर और टेम्परेचर पे अप्लाई होता है एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर दैट इज हेनरीज लॉ। सो अभी हम लोगों ने हेनरी लॉ देखा था दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन, और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल फ्रैक्शन बाय हेनरी। सो अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो के एच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। के एच डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस, गैस का क्या नेचर है, ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक के एच है, नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो के एच जो है गैस पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो अभी देखेंगे कि क्या चेंजेस होता है, तो के अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हैं तो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर के एच इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के एच वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते, ये फैक्ट है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो हेनरीज कॉन्स्टेंट भी इंक्रीज होता है, तो अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया हेनरी कॉन्स्टेंट इंक्रीज हुआ, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, एक तो ये है। और नेक्स्ट है, अगर हम लोग गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में तो वो प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, और कंडेंसेशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में देखा था कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती है। अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखा था कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, तो ये इसी को फॉलो करेगा,
ये इसको फॉलो करेगा, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। तो हम लोगों ने दो चीजों से प्रूफ किया कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें एंडोथर्मिक का कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility decreases and on increasing pressure solubility increases, this is stated by Henry law और ये हम लोग दो देख चुके हैं ऑलरेडी। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो इसको कुछ एप्लीकेशन है इस लॉ के बेसिस पे। तो स्कूबा डाइवर जो डाइव करने जाते हैं सी में, तो वो बहुत डीप जाते हैं सी में, तो जितना डीप जाएगा सी लेवल में तो उतना ही प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितना नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है और हाइट पे प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब वो डीप जाता है तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ब्लड में जो गैसेस डिजोल्व है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ब्लड में गैसेस डिजोल्व और ज्यादा डिजोल्व हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब वो सडनली सरफेस पे आता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो सडनली जो गैसेस डिजोल्व स्टेट में थी वो फ्री होती है, और जब वो फ्री होंगी तो सडनली जब फ्री होती है तो बबल्स फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कैपिलरीज में, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। जब वो सरफेस पे आता है तो बेंड्स होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि कैपिलरीज में बबल्स फॉर्म हो जाती है और वो कैपिलरीज को क्या कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, एंड दैट इज नोन एज बेंड्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, दैट इज फिल्ड विद हीलियम। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जब कोई हाइट पे जाता है क्लाइंब करने, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब वो हाइट पे जाता है तो सडनली प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑन इंक्रीजिंग हाइट प्रेशर डिक्रीजेस, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो टिश्यूज वगैरह को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो दैट लीड टू अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया। सो एट हाइट इट कॉजेस एनोक्सिया, और इन डीप सी और डीप बिलो एट हाई प्रेशर इट कॉजेस बेंड्स इन कैपिलरीज। सो ये दो एप्लीकेशन है। सो एक क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वॉटर इज 0.195 स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलारिटी को, कैप्स है मोलारिटी को। सो हमें हेनरीज कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है इसमें, कि हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी। सो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर हम लोग मास ऑफ वाटर 1 kg मानते हैं, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, तो मास ऑफ वाटर 1 kg लेके चलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोलैरिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है और मोलैरिटी 0.195 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.195। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमारी इक्वेशन क्या थी, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट क्या है, वॉटर है, तो वॉटर में हम लोगों ने मास कितना लिया था, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वॉटर इज 16 + 2, सो 18। तो ये सपोज एक्स आया, ए मान लेते हैं, ये A आया, तो हम लोगों को क्या पता करना है, KH। तो अब कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो हम इसको STP मान के चलेंगे,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसपे पार्शियल प्रेशर कितना होता है 0.987 एटीएम, 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो प्रेशर कितना आ गया 0.987 इज इक्वल्स टू KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.195 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 0.195 प्लस A. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास KH की वैल्यू आ जाएगी. ये सब कैलकुलेशंस खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी, लेंथी है थोड़ा बट आंसर आएगा. सो ये तरीका है सॉल्व करने का. तो हमें मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. तो हम लोगों ने इससे सॉल्व कर लिया, तो मेन यही फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे सब सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व किया है, उसका पार्शियल प्रेशर है 0.98 बार, KH गिवन है 34.84 किलो बार, एंड सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है इन ग्राम पर लीटर. यूनिट ध्यान रखना, ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है. तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन. तो यहां से हम लोग KH सॉरी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज पार्शियल प्रेशर बाय KH. पार्शियल प्रेशर कितना है 0.98 बार है, और KH इज 34.84 किलो बार. तो इसको सॉल्व करेंगे, किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज तो हम लोग मोलैरिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा. तो मोलैरिटी ऑफ वाटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1000 ग्राम पर लीटर, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल. तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर. तो अगर हम लोग डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर आएगा, दैट इज 55.5 मोलैरिटी. ये हो गया नंबर ऑफ सॉरी मोलैरिटी ऑफ वाटर, दैट इज 55.5. तो सॉल्यूशन कितना था 1 लीटर था, तो मोलैरिटी मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो 1 लीटर में उतने ही मोल्स होंगे जितनी उसकी मोलैरिटी होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 लीटर में 55.5 × 3 मोल पर लीटर. तो सॉल्युबिलिटी आ गई 1 मोल पर लीटर में. तो हम लोग को क्या फाइंड करना है ग्राम पर लीटर में. तो मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम पर मोल. तो अगर हम इसको इस मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिकुलर वेट से, तो ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आ जाएगी. तो सॉल्युबिलिटी इज 1.56 × 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 32. इसको जब कट आउट करोगे तो ये ग्राम पर लीटर में आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.05 ग्राम पर लीटर. तो हम लोगों को किस में पूछा था, ग्राम पर लीटर में, और आंसर किस में आया, ग्राम पर लीटर में. तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे. सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.